भगवान सत्यनारायण का ध्यान कीजिए, क्योंकि सत्यनारायण का भी हमें पूजन करने का है। सत्यनारायण का पूजन से पहले आप आचार्य का वर्णन करना चाहिए। इनकी ओर से इनका निमित्त है तो ओम चंदन पवित्रम पापना मंगलम भगवान ओम स्वस्ति न इंद्रो ब्रजस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षरो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु ओम पयः पृथिव्यां पयः औषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो दाः पयः सतिः प्रदिशः सन्तु मह्यम् ओम यदा बंधन्दाक्षयणाहिरण्यगम सतानिकाय सोमनस्य साहित्य को भी पूजन कर महावदनामि सतसारदा। ये सत्यनारायण भगवान की फोटो है ना। चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनं आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीतिष्ठति। ओम सत्यनारायण देवाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आपके पास ये सत्यनारायण की हिंदी व्रत कथा है? क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छी बात है तो करते हैं, हर विषय करते पूर्ण करते। अरे वाह, तो आप यहाँ पर स्थापित कीजिए उनको, स्थापित करके नमस्कार करके नमस्कार कर दे दो, बस अभी दे दो। हाँ हाँ, चलो अभी हिंदी में ही हम आपको सत्यनारायण की कथा सुनाएंगे। मेरे को नहीं मिली थी, मैं गुजराती से हिंदी करना पड़ता, अगर हिंदी आ गई है तो चलो हम भी आज इनका अनुभव करते हैं, ठीक है। देखो ये गुरुदेव है, पहले से ही व्यवस्था कर दी है। हाँ, वैसे मैं हिंदी भी कम आती है, तेरे लिए मैं व्यवस्था कर देता हूँ। हाँ, चलो ठीक है, अब सत्यनारायण का आवाहन की भी करेंगे। गणपति का पूजन आवाहन हो गया है, तो अब सत्यनारायण भगवान यहाँ विराजमान है, उनका हम आवाहित करेंगे। इधर जैसे गणपति को किया, मातृश्वरी को किया, वैसे सत्यनारायण जी को भी आवाहित करना पड़ता है। भावना करे, वंदन करे। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं आवाहये त्वां गरुडो परिस्थितं स्मार्थं सुरराजवंदितं कशांतकं चक्रगदाब्ज हस्तं भजामि देवं वसुदेवं सुतं आसनं समर्पयामि। वो बात नहीं। ओम श्री सत्यनारायण देवताय नमः। सत्यनारायण देव नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि गंधाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि षोडशोपचार पूजनं समर्पयामि। सत्यनारायण कथा समारंभ। कथा प्रारंभ होता है। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा है, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या सहित रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए
जिसमें थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल भी मिले, वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्व शास्त्र ज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूंगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने श्री मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज श्री नारद उवाच, एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहां अनेक योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा, किस यत्न के करने से निश्चय ही दुखों का नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण और चार भुजाओं वाले देवों के इस नारायण को, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती, आपका आदि मध्य अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की गई स्तुति सुनकर श्री भगवान उवाच, भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है, आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है, निसंकोच कहो। तब नारद जी मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, वो अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हुए बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो। तब श्री भगवान जी बोले, हे नारद जी, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिस प्रकार के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूं, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, आज मैं प्रेमवश होकर तुम्हें कहता हूं, श्री सत्यनारायण जी का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी मुनि बोले, क्या बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, यह सब विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, यश सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय या प्रातः समय भी ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, दूध, घी और गेहूं का चूर्ण सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में साथी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान के अर्पण कर देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे, पश्चात स्वयं भोजन नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है, विशेषकर कली काल में यह भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है, ऐसे प्रथम अध्याय का विवरण है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्व मंत्रे भूर्लोके जम्बू द्वीपे धोरेश्वर क्षेत्रे श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलिए सत्यनारायण भगवान को जय। सारे पंडित जी ऐसी कहते हैं, मगर सत्यनारायण की पूजा
सही करने की है। मात्र वार्ता से कुछ नहीं होगा, पूजा से भी कुछ नहीं होगा, उनके दिव्य विचार हमारे मस्तिष्क में हम बनाए रखेंगे हर दिन हर पल, तो सारा लाभ मिलेगा। सत्य का आचरण करेंगे, सत्य पर चलेंगे, सत्य का आग्रह रखेंगे। हाँ, इसीलिए बोला है साची वाणी मां श्री राम साचा वंदन मां श्री राम साची वाणी। सच्ची वाणी के बराबर में सत्य का प्रभाव मिलता है, सत्य नारे साक्षात तो होते हैं। जब हम सत्य बोलते हैं, सत्य आचरण करते हैं, सत्य वितरण करते हैं, सत्यमय हमारा हर व्यवहार होता है। साची वाणी मां श्री राम साचा वंदन मां श्री राम साची वाणी। शिवाजी होता है, श्रेयदायी होता है, और हम भी आज से साची वाणी बोलेंगे, सात्विक खुराक ही खाएंगे, हमारे जीवन को सत्यमय बना के रखेंगे, और हम सत्यमय आचरण करके, सत्यमय बोली बोल के, सत्यमय सुन के, सत्यमय हर व्यवहार करके हम सत्य बने रहे, ऐसी भगवान की साथ प्रार्थना की गई है भगवान को। साची वाणी मां श्री राम साचा वर्तन मां श्री राम साची वाणी मां श्री राम साचा वर्तन मां श्री राम। जन सेवा पापा मिष्टु प्यारा राम राम राम। जन सेवा पापा मिष्टु प्यारा राम राम राम। हर कथा में नारद जी की बात आती है, क्यों आती है? सत्यवादी आदमी औरों के हित में जीता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। आइए अब दूसरा अध्याय शुरू करें। सुत जी बोले, श्री सुत उवाच, सुत जी बोले, ऋषियों जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, इसका इतिहास मैं कहता हूं, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास में बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर यहीं तहीं घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारकर उसके पास जा आदर के साथ पूछा, हे मित्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो। भगवान भी कभी कभी आते हैं हमारे पास, अगर हम पहचान पाए तो बहुत बढ़िया होता है। दिन दुखी को रूप में आते हैं, भिखारी के रूप में आते हैं, हमारे कोई कर्मचारी के रूप में भी भगवान आ जाते हैं, कोई भी रूप लेकर आ सकते हैं, और बढ़िया रूप तो वो हमारा माता पिता का लेकर आ गए हैं, हमारे पूरी ख्याल रखते हैं। आपके लिए ये सत्यनारायण है, हाँ लक्ष्मी नारायण, ये लक्ष्मी है, ये नारायण है, इसको दिल से पूजा करेंगे ने, तो इन सारी देवी देवताओं की पूजा पर बनी रहेगी। हाँ, माता पिता की सेवा जे ना करे महान पापी ते कहवाए, अंत्य दुनिया में अति दुखी थई नक्की नरक में जाए। ये तो बताई गई है, मगर इसके पीछे जब भावार्थ है ना वो बताए तो बहुत बढ़िया रहता है। आज समय के अभाव से मैं इसको पढ़ जाता हूँ। दूसरी बार जब हम ये गायत्री परिवार की ओर से सत्यनारायण की कथा करें वो सुनना बहुत प्रेरणादायी है। वो कथा में पूरा 3 घंटा लगता है, और बहुत बढ़िया कथा लिखी है गुरुदेव, कथा के लिए पूरा टाइम मिलना चाहिए। बहुत ये सत्यनारायण की कथा महाकथा 5 दिन चलवा पाते हैं, हर दिन का एक अध्याय सत्यनारायण महाकथा, जैसे श्रीमद् भागवत कथा करते हैं लोग, देवी भागवत करते हैं, ये महासत्यनारायण महाकथा हर दिन का एक अध्याय करते हैं, बहुत बढ़िया रहता है ये। आप तो अभी हाँ ठीक है, जब भी आपको चाहे तो, वैसे हमें जो भी दक्षिणा की आशा से नहीं आते, लोग सत्य को चुने, सत्य की ओर बढ़े,
वह सत्य में आचरण करें, उसके हिसाब से आते हैं हम। इसके दूत है युग के दूत, युग निर्माण संत के दूत है, युग का निर्माण हो, ऐसी कथा हमारी होती है। तो आइए श्रेष्ठ ब्राह्मण यह सब मुझसे कहो। भगवान ने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में कहा, मैं सुनना चाहता हूँ, आप दुखी क्यों हो रहे। तब ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर चलता फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए है ब्राह्मण तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर बुढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे ब्राह्मण, तेरा भिक्षा मांगना अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। ब्राह्मण तो भिक्षा नहीं मांग सकता है। गायत्री परिवार का एक सूत्र है, छोटे बड़े काम करो, भीख मांगना बंद करो। वयम राष्ट्र जागरूयान पुरोहिता, हम राष्ट्र के जागरूक पुरोहित बने, सत्य की ओर चले, लोगों को तुझ भी सत्य की ओर चढ़ाए, ऐसा हमारे निष्ठा होना चाहिए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात में नींद आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, क्योंकि श्रेष्ठ की ओर चलने का संकल्प लिया, सत्य की ओर चलने का संकल्प लिया। जो सत्य की ओर चलने का संकल्प लेते हैं, उनकी पूरा विकास देवी चेतना करती है, मगर संकल्प लेने के बाद उस रास्ते पर चलना हमें पड़ता है। उस दिन उस भिक्षा में उस ब्राह्मण को बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण व्रत कथा किया, और इसके करने से वह विप्र सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उस समय से वह विप्र हर मास यह व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी से नारायण ने कहा, और यह व्रत मैंने तुमसे कहा, हे विप्रो मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किसने और इस व्रत को किया, हम सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सुत जी बोले, हे मुनियों, जिस जिसने यह व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय एक विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर से लकड़ियों को रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर विप्र को नमस्कार करने कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं। वो विप्र उस समय सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे, और इसके करने से क्या लाभ मिलता है, कृपा कर के मुझे कहो। ब्राह्मण ने कहा, यह सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत है, इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य और आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। तब वह चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया है। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प किया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में आया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला, क्योंकि वो सोच कर गया था, जिस सत्यनारायण की कथा मैंने सुनी है तो अब मैं सत्य ही व्रत करूंगा, सत्य ही जीवन जीऊंगा। पहले झूठा बोलकर लकड़ी बिकता था, भीगी हुई बिकता था, सूखी कर बिकता था, अब सच का व्रत लेकर गया, संकल्प लेकर गया कि अब मैं सच ही बोलूंगा, जैसी है मेरी लकड़ी ऐसी ही बोलूंगा, ऐसी ही बताऊंगा। तब वह बुड्ढा लकड़हारा दो गुना दाम मिला।
तो उससे अति प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी, दुग्ध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बुढ़ा, लकड़हारा, धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुख भोग कर वैकुंठ लोक को चला गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे भारत क्षेत्रे श्री धोड़ेश्वर क्षेत्रे श्री सत्यनारायण व्रत कथा द्वितीय अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोली सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हमें बताती है। सत्य का दर्शन अपने माँ बाप में करें, अपने परिवार में करें, बाद में इसमें करें उसमें करें। मैंने पहले बोला ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आओ अब तीसरा अध्याय का शुरू करते हैं। अध्याय तीसरा, सुत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, अब आगे की व्यवस्था कहता हूँ सुनो। पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यव्रत का और जितेंद्रिय था। वह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी, भद्रशिला नदी के तट पर। उन दोनों को सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर उठाकर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनम्रता के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, मेरी जानने की इच्छा है, सो आप यह मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके कथन अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से सब विधि विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो संकल्प लेकर वह आनंद के साथ साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले और हर मनोकामना पूरी करने वाला व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि मेरे संतान
मेरे को भी जब संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे और एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित होकर सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर भगवान सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। जन्म हुआ उसको, दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता है। इसी वजह से इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूंगा, भगवत का सत्यनारायण का व्रत मैं करूंगा, अब आप उसे करिए। तब साधु जी बोले, हे प्रिय, कहां इतनी जल्दी है, इसके विवाह पर करेंगे। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हुई हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर कहा कि पुत्र के वास्ते कोई सुयोग्य वर देखकर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को, सुसंस्कारी पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न चित्त अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हुए और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जामाता सहित समुद्र के समीप स्थित रत्नपुर के नगर में गया और वहां दोनों को ससुर जमाई चंद्र केतु राजा के साथ उस नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर ने घबरा कर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां से ससुर जमाई दोनों ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा की इस आज्ञा को कठिन कारावास में डाल दिया और उसका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर भी जो धन रखा था, जो बचाया था, चोर उसे चुरा कर ले गए। शारीरिक व सामाजिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने वहां सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को जब वो आई तब माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहां रही, वह तेरे मन में क्या है। कलावती बोली, हे माता, मैंने आज एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की वेदि तैयार करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दावाद शीघ्र ही आ जावे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देखकर, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है वो दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन राज्य पुत्रादि नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने सभा में स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर दिया और सभा में बुलाया और कहा, हे महानुभाव, भावी वश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उसको नए वस्त्र आभूषण दिए तथा उनका जितना धन लिया था और उससे दुना धन देकर
आदर सहित विदा किया, दोनों वैश्य अपने घर को चले दिए। इसी के साथ इसलिए सत्य नारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा तृतीय अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। बोलिए भगवान कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम गायत्री माके ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की, तैयारी की और अपने नगर को चला। उनके थोड़े ही दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? तब अभिमानी फिर भूल गया। अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या आपको धन लेने की इच्छा है? मेरे नाव में तो बैल और पत्ते भरे हुए हैं। फिर असत्य में आ गया। यह सत्यनारायण बताती है कथा कि हमें भी हर पल हर क्षण जितना सत्य का आग्रह रखेंगे, सत्यनारायण की कृपा उतनी ही हमारे पर बनी रहेगी। इतनी सजा भुगते आया फिर भी यह गलत बोला। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी से ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा कर दो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होने लगे और तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त होता है और हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है, असत्य आचरण करने लगा है, असत्य की ओर चलने लगा है। साधु बोला, हे भगवान, मैं आपकी माया से ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे आपको जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में फिर धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान भी हो गए। तब इन्होंने नाव पर आकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर साथियों सहित अपने नगर को चले और जब अपने नगर के निकट पहुंचा, तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को नमस्कार किया और कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुन साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू यह पूजा पूर्ण करके शीघ्र आ जाना।
माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिए। कलावती ने अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखित हो बोला, है प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी भूल हो गई हो, गलती हो गई हो, उसे क्षमा करो। हम बहुत गलती करते हैं, बार बार करते हैं। भगवान इसके माध्यम से कहते हैं कि आपकी बार बार गलती को मैं ठीक नहीं करूँगा। गलती के बाद उनका प्रायश्चित करना पड़ता है कि अब हम गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, तब भगवान की कृपा बनी रहेगी। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, है साधु, तेरी कन्या, तेरी पत्नी मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती और उस साधु की कलावती और उनकी माँ दोनों घर पहुंचे, प्रसाद खाया, प्रणाम किए, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस प्रकार वह इस लोक का सुख का भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को पा गया है। इति श्री सत्य स्कंद पुराणे रेवाखंडे भारतवर्षे दौड़ेश्वर क्षेत्रे कुडाश्रम क्षेत्रे सत्यनारायण व्रत कथा चौथा अध्याय समाप्त। श्री कृष्णार्पणमस्तु। सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लिन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख पाया था। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर वह बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी को पूजन करते हुए देखा है। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और न तो नमस्कार किया। जबकि ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को भी त्याग कर अपनी नगरी को चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह स्थान गया, वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के फिर से समीप गया और विधि विधान पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यनारायण देव की कृपा से सब कुछ पहले जैसा ही हो गया है। फिर दीर्घ काल तक उस सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को गया है। जो मनुष्य इसी परम दुर्लभ व्रत को करेगा, सत्य की ओर चलेगा, सत्य को सुनेगा, सत्य के मार्ग पर चलेगा तो भगवान की कृपा उसे धन धान्य की साथ प्राप्त होगी। निर्धनी धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सारे मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रत सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मौर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने भी स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया है। जो सत्य की ओर चलते हैं, सत्य मार्ग को अपनाते हैं, सत्य धर्म को अपनाते हैं, सत्य धर्म है हम सब में परमात्मा को देखें, किसी को दुख न दे, किसी को ठेस न पहुंचे, ऐसा व्यवहार करें
उनके साथ कभी भी गलत व्यवहार न करें। सारे के सारे जीव जंतु के अंदर कीड़ी में तू ना उड़ा गया, हाथी में तू मोटो क्यों, ऐसे ख्याल रचो मेरे दाता, जहां देखो तहां तू ही तू। वहां सत्य रूपी परमेश्वर हर दिन हर जगह हर क्षण हर पल हमारे साथ में है, वो हमें देखता है, उसी हिसाब से हम चले और हमारा व्यवहार आचरण जीवन सत्यमय बनाए बनाए तो उसकी कृपा हर दिन हर पल हर क्षण हमारे पर बनी रहेगी। यही सत्य नारायण की कथा का उद्देश्य है। बोलिए सत्य नारायण भगवान की। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे भारतवर्षे दौड़ेश्वर क्षेत्रे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचम अध्याय समाप्त। बोलिए श्री सत्यनारायण व्रत भगवान की। हरे राम 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 हरे नारायण भगवान की जय। गायत्री मात की जय। सद्गुरु भगवान।